पूर्णिमा का चांद जब होता है तो तुमने सागर में उतंग लहरें उठती देखी, और तुम भी तो 80% सागर का जल, पूरे चांद को देखकर तुम्हारे भीतर भी तरंगें उठती होंगी, उठती हैं। यह जान के तुम हैरान होगे कि सर्वाधिक लोग पागल पूर्णिमा की रात्रि को होते, सर्वाधिक लोग बुद्धत्व को भी उपलब्ध पूर्णिमा की रात्रि को होते। बुद्ध के जीवन में तो बड़ा प्यारा उल्लेख है कि वो पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए, पूर्णिमा के दिन ही बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, पूर्णिमा के दिन ही उनकी मृत्यु हुई। इस दुनिया में बुद्धत्व को जितने लोग उपलब्ध हुए उनमें से अधिक लोग पूर्णिमा के दिन हुए। पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है, और पागल भी लोग पूर्णिमा की रात्रि ही होते। दुनिया में हत्याएं भी पूर्णिमा की रात सबसे ज्यादा होती हैं, और आत्महत्याएं भी सबसे ज्यादा होती हैं। सारी दुनिया की भाषाओं में पागलों के लिए कोई ना कोई शब्द है जिनका चांद से संबंध है। हिंदी में भी हम पागल को चांद मारा कहते हैं, अंग्रेजी में लूनाटिक कहते हैं। लूनाटिक का मतलब भी चांद मारा, इतने दूर चांद का इतना प्रभाव होता कि किसी को पागल कर दे, कि किसी को बुद्धत्व को पहुंचा दे, कि किसी की आत्महत्या हो जाए, कि कोई हत्या कर दे। और ऐसा आदमी तो बहुत मुश्किल है खोजना जो चांद से बिल्कुल प्रभावित ना होता, असंभव है किसी न किसी रूप में चांद प्रभावित कर।